नंदलाल हीरालाल रांदड़, जैन नगर निवासी। आज आप कौन से विधानसभा से चुनाव का वोटिंग कर रहे हैं? हम लिम्बायत विधानसभा 163 लिम्बायत विधानसभा के लिए वोटिंग कर रहे हैं। किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? हम विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रहित मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों ने वोटिंग कर दी है? अभी तक 2 बजे तक 40% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को ये कहना चाहते हैं, युवा खुद ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रहित में और विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। अभी आपको कितना लगता है, कितना परसेंट तक जाएगा? हमारा यहाँ का वोटिंग लगभग 65-70% के आसपास जाएगा। रमेश कुमार पारीक, जैन। मैं मोल्डन टाउन पर्वत पाटिया पे रहता हूँ। कौन सा विधानसभा है ये? लिम्बायत विधानसभा है। आज चुनाव के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमें मेन मुद्दा विकास का है, और वैसे देखने जाए तो हम हिंदुत्व पे भी डिपेंड करते हैं। आज हिंदुस्तान जहाँ पे पहुँचा है वह इन विकास और आज के जो राजनीतिक और राजनेता हैं इन्हीं के आधार पर पहुँचा है। नहीं पहले हमारे को कोई भारत को नीचे वाले में गिनता था। एक ज़माना ऐसा था कि हिंदू कहना भी ये शर्म की बात थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू और हिंदुस्तानी हैं। इसी मुद्दे के ऊपर हम जनता को और समाज को और नवयुवकों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर चुनाव से इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलता है? नहीं, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। इस बार ये है कि ये आम आदमी भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, पर ऐसे चोरों की हमारे को जरूरत नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर ही डिपेंड करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम लोगों को यही कहते हैं कि आप विकास की तरफ ध्यान दीजिए, जातिवाद, ये धर्मवाद, और आप ये जो पार्टीवाद और ये जो फोकट की जो ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, इनकी तरफ नहीं ध्यान देके, यदि इनकी तरफ ध्यान दोगे तो लंका वाला हाल होते हुए टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपने को देश हित में वोटिंग करना है, देश हित में ही सोचना है, और हम यही लोगों से प्रेरणा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में वोटिंग करिए। जय सिया।